नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक, खुश और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज फिर से एक बार हम स्वर ई के बारे में पढ़ेंगे और लिखना सीखेंगे। चलिए बच्चों, उससे पहले हम सब फिर एक बार स्वर अ, आ और ई का रिवीजन करते हैं। बच्चों, ये कौन सा स्वर है? अ। स्वर अ। अ से अखबार, अ से अखबार, अ से अष्टबाहु, अ से अष्टबाहु। बच्चों, अ के बाद कौन सा स्वर आता है? आ। स्वर आ। आ से आम, आ से आम, आ से आग, आ से आग। बच्चों, आ के बाद कौन सा स्वर आता है? ई। स्वर ई। ई से इमारत, ई से इमारत, ई से इत्र, ई से इत्र। अब बच्चों, स्वर ई से शुरू होने वाले शब्दों के चित्र देखेंगे। बच्चों, ये स्वर ई है, स्वर ई। ई से ईख, ई से ईख। ई से ईंट, ई से ईंट। ई से ईद, ई से ईद। ई से ईदगाह, ई से ईदगाह। ई से इनाम, ई से इनाम। चलिए बच्चों, अब हम स्वर ई की एक्टिविटी करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर स्वर ई का फ्लैश कार्ड रखा हुआ है और यहाँ पर अलग अलग स्वर से शुरू होने वाले फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं। तो बच्चों, इस एक्टिविटी में जो फ्लैश कार्ड्स स्वर ई से शुरू होंगे वह हम स्वर ई के फ्लैश कार्ड के नीचे रखेंगे और बाकी सब फ्लैश कार्ड्स फिर से उसी जगह पर रख देंगे। तो चलिए बच्चों, एक्टिविटी शुरू करते हैं। ये किसका फ्लैश कार्ड है? इत्र। तो ई से इत्र होता है? नहीं। तो यह फ्लैश कार्ड हम यहीं रख देंगे। बच्चों, ये किसका फ्लैश कार्ड है? आग। तो ई से आग होता है? नहीं। तो यह फ्लैश कार्ड हम यहीं रख देंगे। ये किसका फ्लैश कार्ड है? ईंट। तो बच्चों, ई से ईंट होता है? हाँ। तो ये फ्लैश कार्ड को उठा के हम स्वर ई के नीचे रख देंगे। यह किसका फ्लैश कार्ड है? अखबार। तो ई से अखबार होता है? नहीं। तो यह फ्लैश कार्ड हम यहीं रख देंगे। यह किसका फ्लैश कार्ड है? ईदगाह। तो ई से ईदगाह होता है? हाँ। तो हम यह फ्लैश कार्ड को उठाकर ई के नीचे रख देंगे। यह किसका फ्लैश कार्ड है? अष्टबाहु। तो ई से अष्टबाहु होता है? नहीं। तो यह फ्लैश कार्ड हम यहीं रख देंगे। जो यह किसका फ्लैश कार्ड है? इनाम। तो ई से इनाम होता है? हाँ। तो इस फ्लैश कार्ड को लेकर हम ई के नीचे रख देंगे। यह किसका फ्लैश कार्ड है? आम। तो ई से आम होता है? नहीं। तो यह फ्लैश कार्ड हम यहीं रख देंगे। अब ये किसका फ्लैश कार्ड है बच्चों? ईख। तो ई से ईख होता है? हाँ। तो हम
इस फ्लैश कार्ड को उठाकर स्वर ई के नीचे रख देंगे। यह किसका फ्लैश कार्ड है? इमारत। तो बच्चों, ई से इमारत होता है? नहीं। तो यह फ्लैश कार्ड हम यहीं पर रख देंगे। और ये किसका फ्लैश कार्ड है बच्चों? ईद। तो ई से ईद होता है? हाँ। तो हम इस फ्लैश कार्ड को उठाकर स्वर ई के नीचे रख देंगे। बच्चों, एक्टिविटी में मज़ा आया? तो चलिए बच्चों, एक बार फिर स्वर ई को नोटबुक में लिखना सीखेंगे। बच्चों, जैसे आप सब देख सकते हो, मैंने यहाँ पर तारीख 23-6-2020, टाइटल स्वर ई और स्वर ई इन दो कॉलम्स में लिखा हुआ है। तो बच्चों, जैसे कल हमने स्वर ई को लिखना सीखा था, ठीक उसी तरह आज फिर से हम स्वर ई को लिखना सीखेंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से छोटी स्टैंडिंग लाइन सी कर्व, सेकेंड ब्लू लाइन को टच करेंगे, रिवर्स सी कर्व, थर्ड ब्लू लाइन को टच करेंगे, छोटा सा सर्कल करके स्लैंट लाइन, शीरो रेखा, यहाँ से ऊपर रेड लाइन पे टच करके थोड़ा नीचे आएंगे, स्वर ई। फर्स्ट ब्लू लाइन से छोटी स्टैंडिंग लाइन सी कर्व करेंगे सेकंड ब्लू लाइन तक, रिवर्स सी कर्व करेंगे, थर्ड ब्लू लाइन को टच करेंगे, छोटा सर्कल करके स्लैंट लाइन करेंगे, शीरो रेखा करेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन से ऊपर सी कर्व बनाएंगे, रेड लाइन को टच करके थोड़ा नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से छोटी स्टैंडिंग लाइन सी कर्व करेंगे सेकंड ब्लू लाइन तक, रिवर्स सी कर्व करेंगे थर्ड ब्लू लाइन तक, सर्कल करके स्लैंट, शीरो रेखा, फिर यहाँ से सी कर्व करेंगे, फर्स्ट रेड लाइन को टच करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से छोटी स्टैंडिंग लाइन सी कर्व, सेकेंड ब्लू लाइन को टच करेंगे, रिवर्स सी कर्व, थर्ड ब्लू लाइन को टच करेंगे, छोटा सा सर्कल करके स्लैंट लाइन, शीरो रेखा, यहाँ से सी कर्व करेंगे और फर्स्ट रेड लाइन को टच करके थोड़ा नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से छोटी स्टैंडिंग लाइन करेंगे सी कर्व करेंगे सेकंड ब्लू लाइन को टच करेंगे, रिवर्स सी कर्व करेंगे, थर्ड ब्लू लाइन को टच करेंगे, छोटा सा सर्कल करके स्लैंट लाइन, शीरो रेखा, फिर यहाँ से सी कर्व करेंगे, ऊपर रेड लाइन को टच करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे। फर्स्ट ब्लू लाइन से छोटी स्टैंडिंग लाइन सी कर्व, सेकंड ब्लू लाइन को टच करेंगे, रिवर्स सी कर्व, थर्ड ब्लू लाइन को टच करेंगे, सर्कल करके स्लैंट, शीरो रेखा, फिर सी कर्व, फर्स्ट रेड लाइन को टच करके थोड़ा नीचे आएंगे, स्वर ई। बच्चों, आप सब इस तरह से स्वर ई अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा स्वर ई के बारे में पढ़ना और लिखना समाप्त होता है। और हाँ बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब स्वर ई को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए बच्चों, आगे फिर मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।